बताइए डिम्पी, कौन सा शेयर चुना है आज आपने और क्या वजह है उसके नहीं चलने की? देखिए, हमने प्लाई वाली कंपनीज को चुना है और ये जीएसटी के पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने का वेट कर रहे थे, जब हो चुका है अभी शेयर चल जाएंगे। पूरा 6 महीने दिए क्योंकि इससे पहले अच्छा रनअप दिखा चुके थे कंपनियां, अब इनके फर्स्ट से चलने की बारी आ गई है। खैर, इस पहले शेयर के बारे में आपको जल्दी से बता दूं, इसका जो प्राइस एक्शन आपको पूरे साल के अंदर करीब करीब 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, आपका पैसा नहीं बना होगा। हाँ, लेकिन अब बन सकता है। पहले मैं इसके जरा फाइनेंशियल जल्दी से आपके सामने रख दूं, इसका आय और मुनाफे का ट्रेंड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस समय की सिचुएशन क्या है। 1787 करोड़ रुपए पिछले साल कमाया, इस साल 1962, आने वाले 2 साल में 2400 की बात होगी, उसका 2800 करोड़ रुपया कंपनी कमाने वाली है। तो बढ़ते क्रम में कमाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। क्या मुनाफा भी कुछ वैसे ही है? यस, प्रॉफिटेबिलिटी भी कुछ वैसे ही है, ये बढ़ते क्रम के अंदर है। और 156 एक छोटा सा झटका लगा था जब जीएसटी का पूरा रिदम चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि प्लाईवुड को लेकर भी जीएसटी के अंदर, हालांकि इनकी मांग अभी भी है कि दरें कुछ और कम कर दी जाए, हो सकता है सरकार कर भी दे, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को सीधा सीधा बेनिफिट होना था, सेंचुरी प्लाई इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों में इसके फ्रूट, जीएसटी के फ्रूट आते हुए देखेंगे। कंपनी की जो ग्रोथ है वो तो है ही है, 290 करोड़ रुपए का मुनाफा है। तो ये दो आंकड़े ही सफिशियंट है सिर्फ जानने के लिए कि आप गलत कंपनी में नहीं है और ये जीएसटी का बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी पे बन रही है। ये अच्छी बात है कि कम से कम कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन डिम्पी बताइए, फिर चलने का ट्रिगर भी तो आप कह रहे हैं जीएसटी आ गया था, अब और क्या बचा है, फिर क्यों नहीं चल रही? नहीं, देखिए, जीएसटी के अलावा कंपनी का ना एक्सपेंशन भी हो रहा है और एक्सपेंशन अच्छा। जो है विदेशों में हो रहा है, असल में उनको पता है कि भारत के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी हद तक पेपर के या फिर पेड़ों को काटने के थोड़े लिमिटेड है, इसलिए वो चले गए मलेशिया, इसलिए वो चले गए दूसरे और देशों में जहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे उनको लकड़ी आसानी से मिल जाएगी, वहां पे वो यूनिट भी लगाएंगे, इसलिए विदेशों में कारोबार को ये दोगुना करना चाहते हैं। अभी 30 देशों में इनका रिटेल भी है, लेकिन ये यूनिट भी लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, अगर भारत में कोई प्रोविजनिंग कोई नियम लागू भी हो जाए तो विदेशों से बन के आ जाएगा सामान। अब आते हैं इंटीरियर इंफ्रा के कारोबार में भी आ गए हैं, बकायदा इन्होंने सेंचुरी होम के नाम से एक डिस्प्ले भी किया है, इसकी कंपनी के हेड ऑफिस में मिलेगा और आप इसकी वेबसाइट पर भी उसके पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, जो इंटीरियर इंफ्रा के नाम से पूरा इन्होंने प्लाई के साथ एक घर बनाया है। अब आते हैं कोलकाता में लॉजिस्टिक कारोबार की भी इन्होंने शुरुआत कर दी है और इनका लॉजिस्टिक कारोबार बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, ये पहले इन्होंने कोलकाता में शुरू किया, हो सकता है किसी दूसरे पोर्ट में भी जाके करें, फिलहाल लॉजिस्टिक कारोबार कोलकाता वाला वो इनका अच्छा चल रहा है, जो आगे चल के अच्छा गेन देगा। प्रमोटर के पास 72% हिस्सेदारी है, कोई भी गिरवी नहीं है, गिरवी थी आज से एक साल पहले वो सिर्फ 1% थी, वो भी छुड़ा ली गई है, तो कुछ भी गिरवी नहीं है कंपनी के पास, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी पास होने के बाद इसका जो मार्केट शेयर है वो कम से कम 5% बढ़ जाएगा, वैसे भी मार्केट शेयर में लीडर थी लेकिन अब ये करीब 5% इसका मार्केट शेयर और बढ़ेगा और मार्जिन आगे भी 17% रहेंगे। अमूमन चिंता मार्जिन को लेकर होती है, बढ़ेंगे नहीं घटेंगे भी नहीं, 17% के आसपास रहेंगे।